हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मतलब भाई साहब टियागो की अगर सेगमेंट के बारे में बात करें तो काफ़ी सारी कंपनीज है वो सेफ्टी इतनी खास प्रोवाइड नहीं करती है जो कि टियागो करती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ी खरीद रहे हो टाटा की। तो टाटा की टिगोर भी आती है, टियागो भी आती है, अल्ट्रोज भी आती है, पंच भी आती है, तो काफ़ी सारी हर सेगमेंट में गाड़ी है टाटा की। तो आपको टाटा की गाड़ी स्पेशली एंड टियागो जो कि मेरे पास है तो मैं रिकमेंड क्यों करूँगा वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको गिनाऊँगा जो कि अदर कंपनीज की कार्स में बिल्कुल भी नहीं आती है दूर दूर तक। साथ ही साथ जो सेफ्टी टियागो आपको देती है शायद से कोई नहीं देती। तो सेफ्टी एक बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको जब अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, बिकॉज यार सेफ्टी सब कुछ है। गाड़ी में आप बैठ रहे हो तो सेफ्टी होनी चाहिए गाड़ी के साथ एंड गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स भी। को सारे के सारे पॉइंट्स बताऊंगा सेफ्टी फीचर्स वाइज। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिफोर मेकिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड लेट अस। टाटा टियागो के बारे में बात करूँ सेफ्टी फीचर्स में तो सबसे पहला सेफ्टी फीचर्स होगा भाई साहब ये जो भी यहाँ पे लिखा है एयरबैग यहाँ पे एंड ओबियसली यहाँ पे जो कि एयरबैग लिखा है। तो टियागो में जो आपको स्टैंडर्ड ऑल वेरिएंट्स बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक दो एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो यस वैसे भी अभी नॉर्म से इंडिया में तो दो एयरबैग तो मैंडेटरी है वैसे भी। उसके बाद गाइस सेकंड नंबर में अगर मैं बात करूँ टियागो में सेफ्टी फीचर में आता है वो है भाई साहब ब्रेक असिस्ट। गाड़ी में जो है वो इनबिल्ट ब्रेक असिस्ट आता है जो कि जो है वो इनबिल्ट में यानी मतलब ऑब्वियसली सेफ्टी फीचर टाटा ने डाला है इन ऑल वेरिएंट्स इन ऑल मॉडल्स बेसिकली लेके टॉप। तो ये जो फीचर्स है ना वो सारे के मॉडल में आता है, कोई ऐसा नहीं है भाई साहब कि आप सस्ता वाला मॉडल ले रहे हो आप महंगा वाला मॉडल ले रहे हो या फिर आप महंगा ले रहे हो आप सस्ता ले रहे हो बेस्ट टॉप ऐसा कोई नहीं है, सारे मॉडल में सेम फीचर है। तो इसमें आता है एक सेकंड नंबर में BA ब्रेक असिस्ट। आपकी गाड़ी में जो है वो आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हो या फिर खराब रास्ते पे चलाओ आपकी गाड़ी में स्टेबिलिटी होनी हो चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए जो है वो ABS EBD बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए टाटा टियागो में जो है वो ABS एंड EBD भी आती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है एंड ऑटोमेटिक स्टेबल गाड़ी में आता है भाई साहब। FM को थोड़ा बंद करते हैं, आता है भाई साहब नेक्स्ट फीचर में अगर बताओ सेफ्टी फीचर के बारे में तो है भाई साहब गाड़ी में जो है वो आती है CSC कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल। कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल फंक्शन आता है गाड़ी में, जब भी आप गाड़ी को कॉर्नरिंग करते हो देन कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल काम करता है करते हो तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टेबल रहती है इस फीचर की वजह से। एंड नेक्स्ट इन जो है वो है भाई साहब 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो कि टाटा टियागो को मिली है ग्लोबल एनकैप की तरफ से। जो कि ग्लोबल एनकैप क्या है अगर मैं आपको बताऊँ तो वो जो है वो गाड़ियों को टेस्ट करती है अलग अलग पैरामीटर्स पे जो कि बताती है ऑब्वियसली रिजल्ट निकाल के कि किस तरह से गाड़ी सेफ है एंड किस टाइप की रेटिंग गाड़ी को मिल सकती है। टियागो को ग्लोबल एनकैप की तरफ से 4 स्टार मिली है, मतलब काफ़ी तगड़ी गाड़ी है एंड इसके सेगमेंट में आसपास कोई गाड़ी है जो कि 4 स्टार लाई है एंड इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ गाड़ी है। विथ नॉट ओनली दैट ये जो है सेफ्टी फीचर्स भी आती है, इसका मतलब टाटा का जो है वो पूरा ध्यान है सेफ्टी की तरफ विच इज़ रियली नाइस। इसलिए टाटा टियागो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आती है इन द सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इन लास्ट यही था कुछ वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।